एक्सक्यूज मी जी, आपने पहचाना मुझे? नहीं, एक्चुअली हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपके घर पे आया था रिश्ते के लिए। जी मैं आपको पहचान गई थी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाए यहां से। लेकिन क्यों? वजह आप जानते हैं। अच्छा, हम लोग कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं? मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं सिर्फ एक बार आपसे मिल के बैठ के आराम से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा। मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं ये बात सबको बता चुकी हूँ। तो आपसे किसने कहा है कि मैं आपको प्रपोज करने के लिए मिल रहा हूँ? मुझे एक्चुअली आपसे कुछ और बात करनी। अच्छा, आप बोलें। तो इस तरह रास्ते में बात करना अजीब सा लगता है। मैं कल आ जाऊं? आप यहाँ रोज आती हैं? नहीं, मैं आज इधर पहली दफा आई हूँ और आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझसे मिलने तो आएंगे ना? मैंने आपसे अभी कहा कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप मेरी बात सुन लेंगी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज जाएं यहाँ से। तो ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं यहाँ पास में जो एक कॉफी शॉप है वहाँ पे आपका पूरे 5 बजे इंतजार करूंगा। मैं कहीं नहीं आऊंगी। तो फिर आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। मैं आपके घर आ जाऊंगा। नहीं, आप मेरे घर नहीं आ सकते। ओके, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे कल कॉफी शॉप में मिल रहे हैं। देखें, एक बात मैं आपको साफ साफ बता कि मैं कहीं भी आ सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि आप कल मुझसे कॉफी शॉप में मिलें। सी यू सून, बाय। अरे, मैंने हसान से कहा था कि तुम्हें जाके पिक करें, तुम्हें लेने नहीं आया वो? उसने मेरा पहले कभी ख्याल रखा जो आप रखेगा? आपने जब मुझे कहा था कि वो तुम्हें लेने आ रहा है, तो मुझे पहले यकीन था कि वो नहीं आएगा। अरे नहीं बेटा, ये बात नहीं है, बिजी होगा कहीं। और तुम्हें उसकी बीवी का नहीं पता? बड़े नखरे हैं उस लड़की के। हसाम की शादी हो गई? हाँ, हसाम की शादी हो गई। हमने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें दुख होगा ना, मुझे बहुत तेज लड़के नचा कर रखा मैंने। हसाम, हसाम बहुत मिस किया तुम्हें, बहुत ज्यादा। I'm sorry, समरा, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे लेने नहीं आओगे, तो क्या मैं अकेले नहीं आ सकूंगी? सुना है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी कहाँ, उससे नहीं मिलवाओगे? वो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूं रोशनी। हसाम आपके बारे में कल बता रहे थे। सिर्फ कल ही मेरे बारे में बात हो रही थी? मैं तो सोच रही थी तुम अपनी बीवी से अक्सर मेरी बातें करते होगे। मैं तो अपने हस्बैंड से रोज तुम्हारी बातें किया करती थी। तुम अकेली आई हो, तुम्हारा हस्बैंड साथ नहीं आया? हाँ, वो मैंने डिवोर्स ले लिया। हमारी बनी ही नहीं, अब मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पुरानी जगहें, पुराने लोग और पुरानी मोहब्बतें नहीं भूलती। बस इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। और तुम बताओ? मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है तुम इतना लंबा सफर तय करके आई हो, तुम रेस्ट कर लो, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। फिर
कोई बात नहीं, बैठ के बातें करते हैं आज। नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके। आओ बैठो। मैंने तुम्हें बताया था कि समरा साम, मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, फिर इस वजाहत का मकसद क्या है? तुमने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया रोशनी। मैंने तुम्हें बताया था कि साम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जिस तरह आपसे बात कर रही थी और हक जता रही थी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर। अगर वो हक जता रही है तो तुम भी तो जता रही हो। कहते हैं ना कि मोहब्बत में डर होता है, शक व शुबा होता है, और ये जो बेचैनी होती है यही तो मोहब्बत का असल हुस्न होती है। भरोसा रखो मुझ पे रोशनी, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। ये मैंने क्या कर दिया है? क्यों मैंने इस तरह का बिहेव किया था? क्यों मुझे हसाम का शादी कर लेना बुरा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे दोबारा से इससे मोहब्बत हो रही है? दोबारा? या फिर ये कि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत कभी गई ही नहीं थी? हसाम के साथ उसकी बीवी को देखकर मैं क्यों जल गई थी? क्या मेरा ये रवैया ठीक था? शायद शायद नहीं, लेकिन था तो। कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया था। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वो तो फिर भी एक लड़की है, ढूंढने बगैर ही मिल गई। फिर भी पता तो चले कहाँ मिली थी? इंस्टीट्यूट के बाहर, वो वहां पे रोज आती है। अच्छा, तो कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे रोज आती हो, तो उसने मुझे झूठ बोल दिया। हाँ तो साहिर है, वो ये सब हरकतें थोड़ी ना कर सकती है। एक बच्चे की माँ है, उसे ये सब कुछ जेब नहीं देता, इसलिए उसने तुम्हें मना कर दिया होगा। मना कहाँ किया है, मैंने उसे प्रपोज ही कहाँ किया। अभी तो क्या उसे प्रपोज करोगे? करना तो पड़ेगा ना, शादी करनी है तो प्रपोज भी करना पड़ेगा। देखो नुमान, ये सब गलत है। वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती है, बदनाम हो जाएगी वो। मुझे नहीं पता कि ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल फिर जाऊंगा उससे मिलने,
और मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगी। तो क्या मिलना भी तय हो गया? नहीं, सिर्फ मैंने कहा है उससे, उसने तो मना कर दिया। हाँ तो ठीक किया ना, वो कैसे मिल सकती है? वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती है, एक लड़की है, उसके लिए सब कुछ नामुमकिन है। इसीलिए तो मैंने उससे कहा है कि अगर वो कल मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं उसके घर पर चला जाऊंगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन कि वो कल मुझसे मिलने जरूर आएगी। जी जी मिसेज हमीद, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अरसे से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। हाँ मैं आपको कॉल करूंगी, फिर हम मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अम्मी। हाँ किरण। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बैठो। कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई, जब से समरा घर में आई है ना, घर में इतनी मसरूफियात हो गई है। अच्छा बताओ तुम्हारा इंस्टीट्यूट कैसा है, पसंद आया तुम्हें? हाँ अम्मी, वो मैं दरअसल आपको यही बताना चाहती थी कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। क्यों, क्यों नहीं ज्वाइन करोगी? वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अच्छा, नहीं तुमने तो डरा दिया मुझे। चलो अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आया तो कोई और ज्वाइन कर लो। नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना। क्या बात है किरण, किसी ने मना किया तुम्हें? जरूर रोशनी ने मना किया होगा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने भी मना नहीं किया, मैं खुद से बोल रही हूँ। बस आप ये समझें कि मेरा दिल नहीं है। ठीक है, अगर तुम मेरी खुशी को रद्द करना चाहती हो तो कर दो। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरी माँ कहती तो मैं जरूर करती। नहीं अम्मी, मैं हरगिज़ आपको मना नहीं कर रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे अभी नहीं करना। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास, तुम अच्छी तरह सोच लो। ठीक है अम्मी। जाओ मेरा बच्चा। तो दिमाग फटा जा रहा है जलील साहब, मैंने आपको बताया नहीं था, आप परेशान हो जाते हैं ना इसलिए। अब बता दो क्या बात है? वो रोशनी ने मुझे बताया, किरण का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। किरण के लिए? अरे यही समझ लीजिए, आया तो जारा के लिए था, लेकिन उन्होंने किरण को पसंद कर लिया। अब किरण मना कर रही है, देखें तो सही। तो ये बात, मेरा ख्याल है अजरा के हमें वहां किरण का रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने हसाम की बहन जारा को रिजेक्ट किया तो हमारा नहीं बनता कि हम अपनी बेटी का रिश्ता वहां करें। अरे तो क्या सारी जिंदगी आप दूसरों के लिए ही सोचते रहेंगे? क्यों, राहिल का भी तो यही मामला था ना, पसंद करती थी जारा और शादी करवा दी उन्होंने जुनैरा से। तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ? राहिल अपने ससुराल नहीं जाता इस डर से कि कहीं जारा का सामना ना हो जाए। अरे तो किरण कौन सा जा के मिलेगी उनसे दोबारा? किरण ना भी मिले लेकिन वो बच्चों को तो मिलेंगे ना, आखिर उनका पोता। अरे मुझे कुछ नहीं पता, जो होता है हो, मैं तो खुश हूं अब भी किरण के इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मैंने तो रोशनी से कह दिया है बात करें उससे, आप तो बस टीवी देखते रहा करें, किसी बात की फिक्र मत करें।
मैं तो सोच रही थी तुम अपनी बीवी से अक्सर मेरी बातें करते होगे। मैं तो अपने हस्बैंड से रोज तुम्हारी बातें किया करती थी। मैंने डिवोर्स ले लिया, हमारी बनी ही नहीं, अब मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पुरानी जगहें, पुराने लोग और पुरानी मोहब्बतें नहीं भूलती।